मध्य प्रदेश की सियासत को बैलेंस करने वाला एक वीडियो ग्वालियर से सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को यहां देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज एंड हॉस्पिटल के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी प्रोग्राम में वे मध्य प्रदेश और विशेषकर चंबल की राजनीति को बैलेंस करते दिखे। कार्यक्रम में चंबल के दो कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम के साथ शामिल हुए। मंच पर सीएम शिवराज की दाईं तरफ उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान तो बाईं तरफ सिंधिया बैठे हुए थे। साधना सिंह के दाईं ओर नरेंद्र सिंह तोमर बैठे थे, यानी शिवराज और सिंधिया तो आजू बाजू में बैठे थे, लेकिन शिवराज और तोमर की कुर्सियों के बीच एक कुर्सी पर साधना सिंह बैठी हुई थी। पत्नी के कहने पर सीएम ने बैठक व्यवस्था में बदलाव करा दिया, जिसके बाद साधना सिंह की कुर्सी पर तोमर और तोमर की कुर्सी पर साधना सिंह बैठ गईं। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करने के बाद नेता कुर्सियों पर बैठने के लिए आगे बढ़े। ऐसे में शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह ने केंद्रीय मंत्री तोमर से मुख्यमंत्री के बाजू में रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, लेकिन तोमर ने आग्रह कर उस कुर्सी पर उन्हें ही बैठा दिया। कुछ देर बाद ही साधना सिंह और सीएम शिवराज के बीच कुछ बात होती है और शिवराज एक बार फिर तोमर से अपने बाजू वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं। इसके बाद साधना सिंह अपनी कुर्सी छोड़ती हैं और तोमर उस पर बैठ जाते हैं। नई व्यवस्था के बाद शिवराज बीच में होते हैं, वहीं उनके एक ओर सिंधिया तो दूसरी ओर तोमर बैठते हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा, एक बात आज मैं आपको कहता हूं, नरेंद्र सिंह जी, सिंधिया जी और शिवराज सिंह ये मिलाकर 1113 नहीं होते, बल्कि विकास और जनता के कल्याण के 111 होते हैं। हम मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।